हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी, जैसे कि आप जानते हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेक्निकल हेल्थ चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मेरी इससे एक दो वीडियो पहले जो वीडियो थी मेरी, थी यूरिन एग्जामिनेशन फर्स्ट पार्ट, और आज हम बात करने वाले हैं यूरिन एग्जामिनेशन पार्ट टू की। इसमें आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युअली यूरिन कैसे करते हैं, यानी कि यूरिन में अगर शुगर हो, शुगर प्रेजेंट होती है, तो डॉक्टर्स मोस्टली बोलते हैं कि मैन्युअली करके दिखाइए, और प्रोटीन कैसे करते हैं मैन्युअली, तो वो सारा पूरा प्रोसीजर आज हम दिखाने वाले हैं भाई प्रैक्टिकली। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं यूरिन शुगर का। यूरिन में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम किस मेथड से करते हैं, वो हमारा बेनेडिक्ट मेथड होता है। तो हम बेनेडिक्ट मेथड पूरा प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे पास में इनिशियली क्या क्या सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में एक यूरिन सैंपल होना चाहिए, कम से कम 5 ml यूरिन हमारे पास में क्वांटिटी होनी चाहिए। नंबर दो पे बात करते हैं, हमारे पास में बेनेडिक्ट रेजेंट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम कि हमारे पास में एक लैंप होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए, जिसे हम हीट कर सके अपने रिजेंट और अपने सैंपल को। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास में एक होल्डर होना चाहिए, एक हमारे पास में ट्यूब होनी चाहिए, रिया ट्यूब या फिर कांच ट्यूब जो होती है। देन हमारे पास में एक ड्रोपर होना चाहिए, और लैंप को जलाने के लिए हमारे पास में एक मैच बॉक्स होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोसीजर को कि कैसे कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में एक कांच ट्यूब जो है उसके अंदर हम लेते हैं हमारा जो बेनेडिक्ट रेजेंट है, जिसे हम शुगर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम ले लेते हैं कितना 5 ml के आसपास। तो हम इसमें 5 ml के आसपास ले लेते हैं अपना, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, 5 ml ये हो गया हमारा। इसमें हमने बेनेडिक्ट रेजेंट ले लिया है, उसके बाद हम इसको वापस वैसे ही रख देंगे। तो दोस्तों, अब हमने इसमें अपना सॉल्यूशन ले लिया है, जो बेनेडिक्ट रेजेंट होता है वो ले लिया। उसके बाद हमको करना क्या है, हमारा जो हमारे पास में लैंप है उसको हमें कर लेना है ऑन, यानी कि लैंप को जला लेना है। उस सबसे पहले जलाने के बाद हमको करना क्या है, हमको अपनी क्वालिटी, जो हमारा जो रेजेंट है बेनेडिक्ट रेजेंट है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है। और क्वालिटी को चेक कैसे किया जाता है, इसको हीट करके देखा जाता है। ये हमारा होल्डर है, होल्डर से हम इसको टाइटली पकड़ेंगे। देन अब हम इसको हीट करेंगे। हीट कैसे करते हैं, इसको हीट करने का हमारा जो वो होता है, इसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम हीट करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से। और इसको हीट कब तक किया जाता है, इसको हीट जब तक किया जाता है जब तक हमारे इसमें वाइब्रेशन ना होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा तो हमको पता चलेगा कि ये इस टाइम प्रॉपर तरीके से हीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अब ये हम इसको हीट कर रहे हैं, अब इसमें इस टाइम फिलहाल इसमें वाइब्रेशन धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे इसमें ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं अपने आप ही। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स कितनी तेजी से उठ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इसे ये पता चलता है कि हमने इसको हीट किया बट इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर इसका कलर चेंज हो जाता तो हमारा रिजेंट जो था वो बेकार था, यानी कि एक्सपायर्ड था। उसके बाद हमारा जो बेनेडिक्ट जो मेथड था वो फ्लॉप हो जाता, वो पूरी तरह से काम नहीं करता। अब जैसे हमने इसको हीट कर लिया है, ये प्रॉपर तरीके से एकदम सही है। अब हमको करना क्या है, इसके अंदर करना यह है कि हमारा जो यूरिन है यहाँ पे, इस यूरिन को इसमें हमको ये ड्रोपर से
इसके अंदर 6 to 8 ड्रॉप्स यूरिन की डालनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने 6 to 8 ड्रॉप्स, प्रॉपर तो मैंने यहाँ पे 8 ड्रॉप ही इसके अंदर डाली हैं। और इसके बाद हम दोबारा इसको हीट करते हैं। अब हीट करना हम लोअर पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हीट करने से होगा क्या, जैसे जैसे इसमें कलर चेंजेस होते हैं, यूरिन जो हम मैन्युअली करते हैं, यूरिन शुगर जो हम करते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है, जैसे हम हीट कर रहे हैं, हीट करते करते इसका कलर चेंज, अगर इसमें शुगर पॉजिटिव होता है, अगर इसमें शुगर ज़्यादा होती है, अगर ये पेशेंट, इसके पेशेंट के यूरिन में शुगर है तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। लेकिन हमें नहीं लगता क्योंकि हमने इसको बाई स्ट्रिप बाई मशीन भी करके देखा तो इसमें शुगर किसी को शिकायत नहीं है और हमारे पास में सैंपल यही था, वरना हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं। दोस्तों अगर कलर चेंज होता है तो सबसे पहले अगर ब्लू कलर ही रहता है तो हमारे जो शुगर है वो निगेटिव रहता है, इसके बाद ग्रीन कलर होता है यानी कि वो ट्रेस में जाता है, देन उसके बाद हल्का येलो कलर होता है वो +1 में जाता है, फिर उसके बाद हमारा ऑरेंज कलर होगा वो 2+ में जाएगा, उसके बाद रेड होगा वो 3+ में जाएगा, फिर ब्रिक रेड हो जाता है एकदम डार्क ईट की तरह रेड, वो 4+ में जाएगा। तो यूरिन के अंदर शुगर को बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स होती है और किन कंडीशंस में ये बढ़ता है, ये मैं आपको पूरा फर्दर डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसके बाद जो हम मैन्युअली मेथड जो है हमारा वो है एसिटिक एसिड, यानी कि यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए, अभी तो हमने आपको बेनेडिक्ट मेथड बताया, अब हम करते हैं एसिटिक एसिड वाला मेथड। तो दोस्तों अभी हमने बेनेडिक्ट मेथड आपको बताया, यानी कि शुगर अगर यूरिन के अंदर मौजूद प्रेजेंट होती है तो उसको हम कैसे मैन्युअली पता करते हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर प्रोटीन हो तो अगर हाईली प्रोटीन आ रही है, अगर हम स्ट्रिप से लगा रहे हैं या मशीन से लगा रहे हैं तो उसको एक बार मैन्युअली कन्फर्मेशन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अब वो हम करने के आपको दिखाएंगे करके कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ट्यूब होगी, इसमें हमको यूरिन लेना है कितना, कम से कम इसमें इस यूरिन लेंगे हम 5 ml। 5 ml यूरिन लेने के बाद इसको होल्डर की सपोर्ट से डायरेक्टली हम इसको हीट करेंगे। और हीट कैसे करते हैं दोस्तों, हीट हम इसको अपर पार्ट से करते हैं, यानी कि जहाँ पे इसके जो अपर पार्ट होगा, सरफेस होगा, हम उसको चारों तरफ से एक तरफ मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से हीट करेंगे, जिससे कि आइडेंटिफाई क्या करना होगा हमको, इसमें हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर इसमें टर्बिडिटी होती है, यानी कि जैसे एक टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन सा दिखाई देता है, अगर उस टाइप से अगर यूरिन के अंदर होता है तो समझने उससे पता चलेगा कि हमारे इसमें प्रोटीन मौजूद है, यानी कि एल्बुमिन प्लस है इसके अंदर। देखिए दोस्तों जैसे कि हीट करने पे आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको हल्की हल्की टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, जैसे कि इसमें हमारे कंटेनर के में था उस टाइप का कलर नहीं है, बट हल्का इसमें टर्बिडिटी यानी कि इसके अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है। और इसको पूरी तरह से क्लेरिफाई करने के लिए इसको हम हल्का और हीट करेंगे, और देन इसमें हम कितने 2 to 4 इसमें एसिटिक एसिड की ड्रॉपलेट्स मिलाते हैं। इसके बाद हम इसको प्लेस करते हैं, देन हमारे पास में एसिटिक एसिड है, दोस्तों आपको थोड़ा सावधानी से करना है क्योंकि एसिटिक एसिड बहुत काफ़ी तेज़ होता है, वो आँखों में और नाकों में भी बहुत तेज़ी से लगता है, इसलिए इसको हमको हमेशा साइड से करके 1 2 3 4 ड्रॉप्स हम इसमें एसिटिक एसिड की डाल देंगे। आप देख सकते हैं अब इस टाइम आपको कितनी ज़्यादा मात्रा में एकदम टर्बिडिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है,
यानी कि आपको पूरी तरह से इसमें टर्बिडिटी दिख रही है, तो इसका मतलब है इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है, यानी कि इसको इसका प्रोटीन हाईली है।